तो बच्चों आज हमारी हिंदी की क्लास है, ठीक है। आज हमारी हिंदी की क्लास है और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चार वर्णों वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे चार वर्णों वाले शब्द, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, आप सभी को आता है ना दो वर्णों वाले शब्द और तीन वर्णों वाले शब्द को बनाना और पढ़ना? मैंने आपको सिखाया है ना ब्लैक बोर्ड पे कि कैसे हम दो वर्णों वाले शब्दों को और तीन वर्णों वाले शब्दों को मिलाकर एक नया वाक्य बना सकते हैं, है ना। कैसे उनको पढ़ते हैं, कैसे उनको लिखते हैं, है ना। आता है सभी बच्चों को? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो आज हम उसी तरह से चार वर्णों वाले शब्दों को बनाना सीखेंगे, है ना। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे चार वर्णों वाले शब्दों को बनाना। आप सभी अपनी किताब अपने पास रखिए, हिंदी की ओपन करके पेज नंबर 15 ओपन करके सब बच्चे रखेंगे अपने पास में, ठीक है। तो बच्चों ये बताइए कि जब हम चार वर्ण वाले शब्द बनाएंगे तो उसमें कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे? चार, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलती हूं तो अच्छा जल्दी से मुझे बताइए कितने वर्ण हैं यहाँ पे? मैम ने कितने वर्ण लिखे हैं यहाँ पे, क्या बता सकते हैं? क स र त, चार वर्ण हो गए, 1 2 3 4। अच्छा जब हम इन चारों वर्णों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? क स र त बन जाएगा ना, बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैसे पढ़ेंगे इसको? कसरत, 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 राइट। कैसे पढ़ेंगे? कसरत, कसरत। आया समझ में? चलिए और भी शब्द लिखते हैं। ग र द न, तो ये क्या बन जाएगा? ग र द न, ग र द न, तो ये मिलके बन जाएगा ग र द न, गर्दन। क्या बन जाएगा? गर्दन, ठीक है। ये देखिए ये क्या है? गर्दन, ठीक है। तो क्या बन गया? ग गर्दन, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है। क च ह ल, ठीक है। अब ये चार वर्ण है, देखिए 1 2 3 4, चार वर्ण है, इनको हमने मिलाया तो बना क च ह ल। क्या बन गया? कटहल। क्या बन गया? कटहल, कटहल, कटहल। आया समझ में? क्या बन गया? कटहल, राइट। आ रहा है ना आप सबको समझ में? चलिए एक और शब्द पढ़ते हैं। ये देखिए ये लिखा है ब र त न, इनको मिला के क्या शब्द बनेगा? आप बच्चे मुझे बताइए, इन चार वर्णों को जब हम मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी से बताइए वरना सिम्मा आंसर दे देगा। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ये बनेगा ब र त न, बर्तन। क्या बन जाएगा? बर्तन। आप सभी को समझ में आया अच्छे से? ये आ रहा है समझ में सभी बच्चों को, है ना। देखिए कैसे चार वर्णों को मिला के मैं शब्द बना रही है। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आपको कसरत लिखना है तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि क
अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको बोलती हूँ आपको लिखना है टम टम,